सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोशनी कानून रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 21 दिसंबर को फैसला करे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन और किया शिलान्यास, साथ ही मंत्री नेतागण और रतन टाटा भी हुए शामिल। सीएम नीतीश ने दिया फरमान, जिन थाना क्षेत्रों में अपराध बढ़े वहां के अफसरों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बांका जिले में सीएम नीतीश के कार्यक्रम को लेकर जोड़ों पर है तैयारियां, डीएम ने की समीक्षा। योगी सरकार में बुजुर्ग माता पिता की नहीं की सेवा तो प्रॉपर्टी से होंगे बेदखल। सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा दम है तो गांधी मैदान में 1 लाख किसान जुटाकर दिखाए। दुमका में महिलाओं से दरिंदगी के मामले में बीजेपी ने बोला हमला, धरने पर बैठे पार्टी कार्यकर्ता। किसानों ने कृषि कानून के बदलाव को लेकर सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया, 14 तारीख को पूरे देश में करेंगे प्रदर्शन। ब्रिटेन में पहले ही दिन कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद 2 लोग हुए बीमार, जारी की गई चेतावनी। नितिन गडकरी ने आज किया नए कोयला पुल का उद्घाटन, पटना से आरा जाना होगा आसान। महिला के खिलाफ अपराध की घटनाओं को लेकर दोषी की मौत की सजा होगी, उधर सरकार ने दी मंजूरी। जेईई नीट 2021 की परीक्षाओं का सिलेबस को कम करने पर शिक्षा मंत्रालय कर रहा है विचार। बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुआ हमला, बाल बाल बचे कैलाश विजयवर्गीय, बोले ऐसा लग रहा जैसे अपने देश में नहीं है। ममता बनर्जी ने ह्यूमन राइट्स को लेकर किया ट्वीट, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी खबर, 1 जनवरी से बदल जाएंगे जीएसटी रिटर्न के नियम, 94 लाख टैक्स पेयर्स पर होगा असर। बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफजाल अब्बास का फूंका गया पुतला। शीतलहर शुरू होते ही नालंदा जिले में बढ़ रहा है सड़क हादसा, जिसके कारण 2 की हुई दर्दनाक मौत। अरवल जिले के कलेर्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परागम में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के बीच हुई बैठक। अरवल जिला के अंतर्गत कमता गांव में 9 बीघा खेत का धान खलियान में देर रात अचानक धान की बोझा में लगी आग।